नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मगलोड ब्लॉक के ग्राम कपाल फोड़ी में तटबंध निर्माण में अनियमितता और मरम्मत की जांच की मांग को लेकर गांव के लोग कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठे। ग्रामीणों का आरोप है कि सत्र 2016-17 में जल संसाधन विभाग कोड नंबर 90 द्वारा यहां पर लगभग 72 लाख रूपये की लागत से तटबंध मरम्मत कार्य कराया गया था। लोगों का कहना है कि तटबंध मरम्मत कार्य सिर्फ कागजों में हुई है, जमीनी हकीकत तो यह है कि कार्य किया ही नहीं गया है। मरम्मत के नाम पर कार्य की फर्जी बिल वाउचर बनाकर रुपए का गबन किया गया है। बार बार शिकायत के बाद भी इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं ग्रामीणों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कार्य की जांच की मांग की है। वहीं मामले की पूरी जानकारी के लिए कार्यपालन अभियंता अनिल कुमार पलड़िया से फोन के माध्यम से संपर्क साधने के प्रयास किए गए, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। रोहित दास मानिकपुरी, हम लोग यहाँ इस अभी ग्राम कपाल फोड़ी के तटबंध निर्माण कार्य के घपला करे ही 90 कोड वाला मन है, वहाँ रिपेयरिंग के नाम से 72 लाख रुपया ला निकाल के फर्जी बिल भाउचर डाल के दुरुपयोग करे ही हमार सब के पैसा ला वो मन सब ला गमन करे है। एकर जांच होना चाहिए कि हमन हड़ताल में बैठे हैं, आज एक दिवसीय हड़ताल में बैठे हैं। लॉकडाउन के कारण हमन कम संख्या में हन, 10 जना हन और हमार मांग पूरा नहीं हुई तो हम वेहद रूप से हमन है ये धरना प्रदर्शन करबो। और सबसे बड़ी बात यह है, ये पलड़िया साहब कथे ना, ये मगल लोड के SDO भी है और धमतरी जिला के ई साहब है, एक झन आदमी दू ठन पद में है, तेकरे से ती ये दुरुपयोग करे है। बिल वाउचर ला फर्जी, दू आदमी रहतीस तो ये में नहीं होतीस, एक आदमी के कारण ना यह पूरा अधिकार दुरुपयोग करे है। ये 16-17 का है, इसमें हम लोग जाँच होनी चाहिए और अधिकारी को दंड मिलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारी के ऊपर, क्योंकि ये दुरुपयोग किया है ये पैसा का। यहाँ कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग सीधा मंत्री के पास जाएंगे, भूपेश बघेल के पास जाएंगे, वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे।